कैसे हो दोस्त आप लोग। अभी मैं अपने गांव में, जो मेरे गांव में रेलवे जंक्शन है, तिलैया जंक्शन, मैं भी थोड़ी दूर पे है, हाफ किलोमीटर, मैं भी वहीं जा रहा हूं। और आप लोगों को पूरी जंक्शन की ब्लॉग दिखाऊंगा, कितने प्लेटफार्म हैं और क्या क्या है जंक्शन में, अभी ट्रेन वगैरह। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपनी राय भी दें। और मैं कोशिश करूँगा और भी बहुत जगह की व्लॉग बनाने की, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और वीडियो का मजा लें। स्टार्ट करता हूँ। तो ये है तिलैया जंक्शन, ये इस सामने वाले देख रहे हैं आप, ये नई बिल्डिंग है, अभी बनी है जस्ट। अभी तक तो तीन प्लेटफॉर्म है, ये बड़ी पाली के साइड का बहुत सारा घर बन गया। अभी ये वाली बिल्डिंग अभी बनी है नई। जंक्शन तो बहुत बड़ी है, अभी बहुत सारा प्लेटफॉर्म, अभी 11 प्लेटफॉर्म आने वाला, अभी तीन प्लेटफॉर्म रेडी है। ये फ्लाईओवर बना है इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म जाने के लिए। पैसेंजर बहुत रहते हैं यहाँ पे, ऐसे तो ज़्यादातर मालगाड़ी यहाँ पे रहता है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन भी बहुत सारी है। दिल्ली के लिए भी ट्रेन है, ठीक है, असम के लिए भी ट्रेन है, यहाँ पे मिल जाएगी आपको, वीकली ट्रेन है वो सब। और राजगीर के लिए तो ट्रेन यहाँ से ही खुलती है, दानापुर के लिए, दानापुर राजगीर पटना यहाँ से ही खुलती है। तो ये है तिलैया जंक्शन, जो नवादा ज़िले में है, और हिसुआ टाउन है बगल में 2 किलोमीटर पे। और तिलैया जंक्शन जो ये, इसके बगल में इधर छोटी पाली है, ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये छोटी पाली का रास्ता है। और मतलब तिलैया जंक्शन की इस साइड में छोटी पाली और इस साइड बड़ी पाली है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और ये नज़ारा देखिए कितना ज़बरदस्त, पहाड़ वगैरह सब है हमारे यहाँ तिलैया जंक्शन। पहले स्टेशन वाला रूम यहाँ पे हुआ करता था, वो सामने वाली बिल्डिंग के पास, अभी 2-3 साल से चेंज हुआ है वो। अभी पीछे वाइट साइड, वाइट जो वाइट कलर की थी, अभी वो बिल्डिंग बना। ये उस तरफ से बड़ी पाली जाने का रास्ता है, वैसे तो स्टेशन के बगल में ही है, लेकिन रास्ता थोड़ा घूम के ही गया है। किस पे आएगा तो वो हाफ किलोमीटर हो जाता है, ये बड़ी पाली के अंदर में ही पूरा सब सारा। तो अभी ट्रेन आने वाली है जो राजगीर की तरफ से आ रही है, दानापुर से, अभी वो ट्रेन का भी आपको दिखाएंगे पूरा आते हुए। और एक चीज़ और, अभी ये ट्रेन जो आ रही थी, जब मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा था, तो एक बुज़ुर्ग आदमी जो थे वो पैर नीचे करके बैठे हुए थे, ठीक है, वो समझ लीजिए कि वो आज ट्रेन से कटने ही वाले थे, लेकिन भाग्य अच्छा था वो बच गए, ठीक है। तभी देखिए आगे वीडियो में दिखाएंगे आप, वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं बहुत सारी ब्लॉगिंग वीडियो बनाते रहता हूँ, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये देखिए, ये दानापुर से आ रही है ट्रेन, ये बकरी भी बची है। ये देखिए, ये बूढ़ा जो है बच गए थोड़ा सा, के ये बच्चे हैं, बाल बाल बच्चे हैं। तो कभी भी ट्रेन से सफर करें तो पावदान पे पैर ना रखें, सबसे ऊपर वाले पावदान पे रखेंगे तो चलेगा, लेकिन उस पर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट पावदान पे पैर रखने से होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत जगह पे क्या होता है कि थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है, किसी जगह पे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है ट्रेन से, लेकिन बहुत जगह पे सटा हुआ है। जैसे इस स्टेशन पे प्लेटफॉर्म से ट्रेन की बोगी 5-6, हाँ भाई टाटा, 5-6 इंच ही से दूर है बस, बहुत सटी हुई है, बहुत क्लोज है। तो ये सब ध्यान रखें ट्रेन पर सफ़र करने टाइम, कभी भी
उससे एक्सीडेंट होने का डर रहता है। अब ऐसे भी इसी स्टेशन पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है इसी कारण, प्लेटफॉर्म बाजू में है पूरा और लोगों को पता नहीं है, पैर नीचे करके लटका के बैठे रहते हैं और जब प्लेटफॉर्म आता है तो वो लपटा के टना जाते हैं अंदर सीधा स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म के अंदर और पटरी पर चले जाते हैं। बहुत सारे को तो कटते हुए देखा हम लोगों ने बचपन से, स्कूल के टाइम से ही देखा बहुत सारे लोगों को कटते हुए आँखों के सामने। तो ये सब गलती ना कर। ये दानापुर तिलैया पैसेंजर है, बचा भाग के लिए। ये देखिए ये मेरे गांव के दानापुर से लगता आ रहा है। गार्ड साहब क्या हाल बा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये पूरी ये बहुत सारे मालगाड़ी लगी रहती है हमेशा, मतलब किसी दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस टाइम दो मालगाड़ी यहाँ पे ना लगी। और ये सामने जो मालगाड़ी के जितने भी रहते हैं ना गार्ड वगैरह, उनके लिए ये घर बनाया गया तिलैया जंक्शन। ये बड़ी पाली जाने का रास्ता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।